दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट्स इनसाइड अ किटकैट, किटकैट के अंदर ऐसा है क्या? और दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप लोग चाहें कि यूट्यूब के सारे वीडियोस देख ले तो आपको कितना टाइम लगेगा? और दोस्तों क्या आपको पता है कि आप एक जगह खड़े होकर चार स्टेट्स में जा सकते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कुछ ऐसी मस्त अमेजिंग रैंडम फैक्ट जिससे आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के मजे लो क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्टेक्स गो। दोस्तों टॉर्टोइस कितने ज्यादा प्यारे और छोटे से होते हैं, लेकिन दोस्तों टॉर्टोइस की कुछ स्पीशीज बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। और दोस्तों इन टॉर्टोइस को हम लोग जानते हैं जाइंट टॉर्टोइस के नाम से। दोस्तों इनकी एज लिमिट 100 साल से भी ऊपर की होती है। और दोस्तों ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे यानी एंडेंजर्ड है, बस इसलिए क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों जब भी किसी का फोन आता है तो आप लोग तो फोन कॉल्स अटेंड करते ही होंगे, लेकिन दोस्तों दुनिया के 50% लोग 50% लोगों ने कभी भी फोन कॉल अटेंड ही नहीं की है। हाँ दोस्तों इतने मॉडर्न जमाने में अभी भी 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कॉल उठाई नहीं है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं वो अकेला ऐसा प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसका नाम किसी गॉड के नाम पे नहीं रखा गया। दोस्तों सारे प्लेनेट जैसे मर्क्यूरी, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, सारे के सारे प्लेनेट्स किसी ना किसी गॉड के नाम पे हैं, बस अर्थ के अलावा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बहुत सारे क्लाइंबर्स आते हैं, लेकिन सारे माउंटेन क्लाइंबर्स उस माउंट एवरेस्ट को चढ़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग एवलेंचेस में फंस के बर्फ में ही दब जाते हैं। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ओपन ग्रेव है क्योंकि यहाँ पे 200 से ज्यादा डेड बॉडीज अभी तक पड़ी हुई है, बर्फ के नीचे दबी हुई है। अरे वाह ये तो राइम हो गया, बॉडीज अभी तक पड़ी हुई है, बर्फ के नीचे दबी हुई है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों इन रबड़ की बॉल्स और इन मार्बल से तो हम लोग हमेशा बचपन में खेलते ही थे, लेकिन दोस्तों हम लोग इसे जब बाउंस करते थे तो कंचे हमेशा टूट जाते थे और रबड़ की बॉल बहुत ज्यादा बाउंस करती थी। दोस्तों फैक्ट ये है कि अगर वो ग्लास की बॉल टूटे नहीं तो वो रबड़ की बॉल से भी ऊपर बाउंस करेगी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों फ्रेंच फ्राइज केचप के बिना बिल्कुल मस्त नहीं लगता, लेकिन दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं कि केचप पहले 1830s में मेडिसिन की तरह यूज होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि साइंटिस्ट उस समय ये क्लेम करते थे कि वो डायरिया, जॉन्डिस, इंडाइजेशन जैसी बीमारियों में हेल्प करता है और उनको क्योर करने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों डोनाल्ड डक कितना प्यारा और कितना क्यूट डिज्नी कैरेक्टर है जिसने हमें हमेशा हंसाया है, लेकिन दोस्तों फिनलैंड में डोनाल्ड डक कार्टून बस इसलिए बैन हो गया था कि वो पैंट्स नहीं पहनता था। दोस्तों एक डक कार्टून, यार पैंट्स इसका क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मेल नहीं बैठ रहा एक पैंट ना पहनने के लिए, कार्टून को बैन कर दिया पूरी कंट्री में, वो भी इतने मस्त कॉमेडी कार्टून को। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस पूरी दुनिया में पिग एक लौता ऐसा एनिमल है जो कभी भी अपनी पूरी लाइफ स्पैन में कभी भी स्काई में नहीं देख सकता है, यानी ऊपर नहीं देख सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फिजिकली सपोर्टेड नहीं होता है उसके लिए, उसका नेक कभी भी उसके हेड को सपोर्ट नहीं करता है कि वो ऊपर देख सके, इसलिए वो हमेशा नीचे देख के कुछ ना कुछ खाने के लिए कीचड़ में ढूंढता ही रहता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों लेड जिससे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि पेंसिल बनता है, लेकिन दोस्तों पेंसिल लेड से नहीं बनता है, पेंसिल बनता है ग्रेफाइट से। और लेड का पहले ही उपयोग होता था लड़कियों के मेकअप में। दोस्तों अभी तो ये सब पाउडर्स आते हैं, लेकिन आप ये एरो देख सकते हैं कि ये लेड है, पहले लेड यूज होता था उनके मेकअप के लिए ताकि उनका फेस और भी ज्यादा अच्छा लगे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची ये वही है जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। और दोस्तों इनके बारे में सबसे गजब और सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये एक टाइम पे दोनों हाथों से काम कर सकते थे, यानी एक हाथ से ड्राइंग और दूसरे हाथ से वो लिख सकते थे। तो दोस्तों इस अमेजिंग फैक्ट के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके मेरे वीडियोज की सबसे पहली अपडेट।
फैक्ट नंबर 5। 200 चार्ल्स ऑसबॉर्न वो हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है, वो भी 68 इयर्स तक लगातार नॉन स्टॉप हिकअप्स के लिए, हिचकियां आने के लिए। दोस्तों ये इनकी हिचकियां शुरू हुई थी 1922 में और खत्म हुई 1990 में। सोचिए दोस्तों, लगातार 68 इयर्स तक हिचकियां लेते रहिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अगर आप लोग चाहें कि आप YouTube के सारे वीडियोस देख लें तो दोस्तों क्या आपको पता है कि कितना टाइम लगेगा आपको? दोस्तों आप YouTube पे जाइए, सर्च करिए और सारे वीडियोस पे क्लिक कर करके देखिए तो आपको दोस्तों 55 करोड़ आवर्स लगेंगे। दोस्तों अगर हम लोग इसको डेज में कन्वर्ट करें तो 22,916 डेज लगेंगे आपको, माइनस आपने जितने वीडियोस देख लिए हैं। दोस्तों आपके हिसाब से स्नेक, शार्क या फिर लायन में से सबसे डेडलीस्ट, या फिर और भी कोई ऑप्शंस ले लीजिए, उनमें से सबसे डेडलीस्ट एनिमल कौन सा है? वैसे दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि सबसे डेडलीस्ट एनिमल या फिर कोई इंसेक्ट एक मच्छर है। हाँ, वही मच्छर जो आपका पूरे समय खून पीता रहता है। दोस्तों आप ये लिस्ट को देखिए, इस लिस्ट में शार्क, स्नेक, डॉग्स, लायन और इन सब की मतलब मच्छरों से बहुत कम एवरेज है लोगों को मारने का। दोस्तों मच्छर एवरेजली 750,000 लोगों को मारते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों यूएस में एक जगह है जिसका नाम है फोर कॉर्नर्स, और दोस्तों ये वर्ल्ड में एक लौती ऐसी जगह है जहां पे आप खड़े होके, एक ही जगह पे खड़े होके आप चार अलग अलग स्टेट्स में हो सके एक ही समय पे। दोस्तों ये स्टेट्स हैं यूटा, कोलोराडो, एरिजोना और न्यू मैक्सिको। दोस्तों आप देखिए, आप एक ही समय पे चार जगह एक ही वक्त पे हो सकते हैं, कितनी अमेजिंग बात है। नाउ इट्स टाइम फॉर फैक्ट नंबर 1। दोस्तों किटकैट में ऐसा अंदर होता क्या है, उसके वेफर्स किस चीज से बनते हैं? दोस्तों आपको ये बात तो बिल्कुल पता होगी कि किटकैट के अंदर कोकोआ और शुगर तो बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके अंदर चॉकलेट का टेस्ट ऐसी थोड़ी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों किटकैट की कंपनी में जो भी किटकैट्स टूट जाते हैं, उनकी पैकेजिंग नहीं हो सकती है, वो लोग उसको चॉकलेट में मिक्स करके उसको वेफर्स बनाते हैं। सोचिए दोस्तों, वो लोग किसी भी चीज को कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं, यानी हम जो वेफर्स खाते हैं वो वेफर्स टूटे हुए किटकैट्स के टुकड़े होते हैं।